अब चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सुनवाते। प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री क्रमवीर जी, प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्रीगण, सभी सम्मानित राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐतिहासिक सफलता के बाद जुलाई 2021 के बाद हम सब सामूहिक रूप से एक साथ यहां पर एकत्र होकर के मिलन के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेताओं के योग्य नेतृत्व मार्गदर्शन और सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मिथकों को, तमाम षड्यंत्रों को धूल दूषित करते हुए 37 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है। जो सरकार अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक पूर्ण की हो और फिर से सरकार बनाई हो, उत्तर प्रदेश में 37 वर्ष के बाद इस प्रकार का अवसर आया है। मैं इसके लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं। निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार पूरी मजबूती से आगे बढ़ चुकी है और कल 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र में 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा। इस अवसर पर मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का और सभी अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमें अपनी आंखों के सामने बहुत स्पष्ट दिखाई देता है और जीवन के हर क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुई प्रगति अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और यह इस नए भारत को दुनिया के नेतृत्व के रूप में हम प्रस्तुत करते हुए देख रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का क्षण है और इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष के इन सफलतम कार्यकाल के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय कैबिनेट का, अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास किया था और इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया वो आप सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के सामने जो पिछली सरकारों ने
अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक अविश्वास की स्थिति पैदा की थी। प्रदेश के बारे में जो धारणाएं देश और दुनिया में बन चुकी थी, इन 5 वर्षों में भले ही 3 वर्ष ही हमें कार्य करने को मिले हों, 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के प्रबंधन और उससे प्रत्येक नागरिक को राहत मिल सके, इस दिशा में जो प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के आगे बढ़ाए थे, इसमें ज्यादा समय हमारा प्रबंधन और इससे आम नागरिक को राहत मिल सके इसमें ज्यादा समय हम लोगों को लगाना पड़ा। लेकिन उस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी, राजनीतिक दलों के बारे में, सरकारों के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता की क्या धारणा थी, और जब 2022 में विधानसभा के चुनाव सकुशल संपन्न होने के बाद फिर से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी है, उस समय तक जनता के मन में राजनीतिक दल और सरकारों के बारे में क्या धारणा होनी चाहिए, यह भी आप सबके सामने है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार और संगठन ने मिलकर के 5 वर्षों तक जो अथक प्रयास किए, परिश्रम की पराकाष्ठा तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का परिणाम हम सबके सामने रहा। केंद्र सरकार की जिन योजनाओं में 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सबसे पिछले पायदान पर खड़ा रहता था, आज उन सभी योजनाओं में लगभग 4 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करती है। उन योजनाओं में जिनमें पहले उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, आज उन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ देश के सामने अपनी एक नई पहचान के रूप में सबके सामने खड़ा है। चाहे वह प्रदेश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का कार्य, मित्रों बहुत बड़ा कार्य था ये। जब स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी, उस समय तमाम विरोधी दलों के द्वारा तमाम प्रकार की बातें कही जा रही थी, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सहयोग के बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। दुर्योग से उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय की जो सरकार थी उसकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। जिस उत्तर प्रदेश को 2,61,00,000 घरों में एक एक शौचालय बनाने थे, 2.5 वर्ष में उस उत्तर प्रदेश में मात्र 25,00,000 शौचालय बन पाए थे, और इस लक्ष्य को प्राप्त करना था मात्र 4 वर्ष के अंदर। 2.5 वर्ष बीत गए, अब 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद मात्र 1.5 वर्ष का कालखंड था जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई। यद्यपि भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की चुनौती को भी देखा और उन्होंने उस समय इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया कि देश स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ODF के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब इसे 1 वर्ष तक और इसको विस्तार देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले से निर्धारित समय था, अक्टूबर 2018 में ही उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने की कार्रवाई को संपन्न करने, 2,61,00,000 शौचालय बनाकर के उस लक्ष्य को प्रदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम भी किया। मैं देखता हूं आज भी विपक्षी दलों के लोगों को यह लगता है कि शौचालय बनाने का काम एक सामान्य कार्य है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन भाइयों बहनों, यह एक बहुत, यानी पूरे भारत की तस्वीर को बदलने वाला कार्यक्रम है। कार्यक्रम इस रूप में 2014 के पहले अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर गांवों में जाते थे, गांव की गलियां पैदल चलने लायक नहीं होती थी, गंदगी का अंबार होता था, बदबू देखने को मिलती थी। स्वच्छ भारत मिशन के बाद, इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू होने के बाद,
आज गांव साफ सुथरे हैं, गांव में आप पैदल भी जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। एक पक्ष इसने गांव की तस्वीर को बदला है, इसकी दूसरी तस्वीर इसने नारी गरिमा की रक्षा की है, और इसकी तीसरी तस्वीर इसने हजारों बच्चों को असमय काल कल्वित होने से बचाया है। इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से बचाने में इस अभियान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप में से बहुत सारे पदाधिकारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित उन क्षेत्रों में देखे होंगे, जहां पर हजारों मौतें हर वर्ष केवल मस्तिष्क ज्वर और उससे जुड़ी हुई बीमारियों से होती थी। स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के बाद, ईमानदारी के साथ उसे लागू होने करने के बाद, आज इंसेफ्लाइटिस से जिस उत्तर प्रदेश में 1.5 से 2 हजार मौतें प्रतिवर्ष होती थी, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी कार्य योजना को लागू करने के बाद उसकी सफलता के साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। 95% मौतों को रोकने का मतलब एक उस बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई कि आखिर परिणाम क्या है। परिणाम है जो एक मासूम काल कल्पित होता था बीमारी से, स्वच्छ भारत मिशन ने आज उसे भी जीवन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके जीने का अधिकार दिया है, और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण। भाइयों बहनों, आज अनेक ऐसी योजनाएं, कोई सोचता था कि गरीबों के पास भी अपना मकान होगा, 43.5 लाख ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 43.5 लाख गरीबों के पास प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक एक आवास का उपलब्ध हो जाना, ये केवल एक आवास की सुविधा उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि आवास योजना के माध्यम से उन लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का भी एक बेहतर प्रयास है। प्रधानमंत्री आवास की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इस प्रकार की अनेक उन योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के डबल इंजन का एहसास उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कराने में सफलता प्राप्त की, और उसका परिणाम जब सरकार और संगठन इन योजनाओं को लेकर के प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचा, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा, उसका परिणाम रहा कि जो तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए, उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया, जो एक सपने पाले हुए थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का षड्यंत्र करेंगे तो उस षड्यंत्र से इस प्रकार की तस्वीर पैदा हो जाएगी, और उस तस्वीर से हम खंडित जनादेश के माध्यम से फिर उत्तर प्रदेश में अपना जो लूट तंत्र है उस लूट तंत्र को आगे बढ़ाएंगे, वह पूरी तरह बेनकाब साबित हो चुका है। भाइयों बहनों, 2022 का जनादेश बहुत स्पष्ट संकेत करता है कि अगर आप कार्य करेंगे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन भी उसी मजबूती के साथ जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा से ऊपर उठ करके आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती हुई दिखाई देगी। आपने चुनाव में देखा होगा कि आधी आबादी ने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, और उसके पीछे उसे एहसास हुआ जो बेटियों और बहनों के सामने सुरक्षा का संकट था, महिलाओं के सामने
घर से बाहर निकलने का एक संकट खड़ा हुआ था पिछली सरकारों के समय में, उस संकट से सरकार ने मजबूती के साथ उस प्रकार के कार्यक्रमों को लागू करने के बाद प्रदेश में जो लागू किया उसके परिणाम देखने को प्राप्त हुए। कोरोना कालखंड में, संकट के उस दौर में हर नागरिक के साथ कैसे खड़ा होना है, सुख दुख में कैसे सहभागी बना जा सकता है, जीवन और जीविका के बीच में संतुलन बनाने का कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सभी कार्यक्रम उस कालखंड में जिस प्रभावी तरीके से लागू करने के प्रयास हुए, स्वाभाविक रूप से आधी आबादी ने उन सभी जो मिथक थे, जो तमाम प्रकार के षड्यंत्र थे, उसे दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। और मित्रों, ये कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ सके, आज ये हम सबके सामने एक नई चुनौती होगी, क्योंकि यह तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है, नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश में नया बजट भी आ गया है। आपने देखा होगा कि सरकार का गठन पूर्ण बहुमत के साथ, विधानसभा में दो तिहाई से अधिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का की सरकार बनी। पहली बार हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी को विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और दो तिहाई से अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास। सामान्य कार्यकर्ता भी आज विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है। दोनों सदन में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत हो, यह पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और यह मैं उत्तर प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं के विश्वास के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी मजबूती के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए अनथक प्रयास किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। नया बजट भी आपके सामने आ चुका है। मित्रों, सरकार ने अपना नया बजट प्रस्तुत किया है, नई सरकार का नया बजट, लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसके आधार पर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की अदालत में गए थे। 130 संकल्पों के साथ हम आगे बढ़े थे। पहले ही बजट में 97 संकल्पों को पूरा करने के साथ सरकार उसके लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की व्यवस्था भी बजट में प्रावधान कर चुकी है कि इन सभी संकल्पों को बिना कोई विकल्प दिए हुए उन्हें अक्षरशः पूरा करना है और उसे अक्षरशः पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार कार्य करते हुए दिखाई दे रही है। वे संकल्प जमीनी धरातल पर भी कार्य करते हुए दिखाई दे। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए परिवार कार्ड की प्रक्रिया कैसे बननी है, हर परिवार के पास अपना एक स्पेशल कार्ड हो और उस कार्ड के माध्यम से उस परिवार को मिलने वाली केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ के साथ साथ उन्हें कौन सा रोजगार और नौकरी मिली है, इस प्रक्रिया को भी हम लोग तकनीक के माध्यम के साथ जोड़ते हुए हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया के साथ भी प्रदेश सरकार ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। और मित्रों, यही नहीं, अभी 3 जून को उत्तर प्रदेश के अंदर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही प्राप्त हो रहा है। ये 75,000 करोड़ रुपए का मतलब एक सामान्य राशि नहीं, बल्कि ये निवेश हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार लेकर के भी प्रदेश के अंदर लेकर के आएगा। इस विश्वास के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को भी हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी अपनी यहां पर कर ली है। प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना ने
आज उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित किया है। 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक की एक्सपोर्ट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की अपनी परंपरागत उत्पादों के माध्यम से कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित हो रहा है। कोरोना कालखंड में भी जीवन और जीविका को बचाने के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग नए निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ा सकें, देश का पहला डिस्प्ले यूनिट हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चीन से लेकर के आए कि चीन में जो था पहले, लेकिन चीन के प्रति दुनिया के अविश्वास का परिणाम आज वहां से निवेश उठ उठ करके दुनिया की तरफ जब भाग रहा है, तो उसमें से देश की पहले डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके हम लोगों ने सफलतापूर्वक उससे प्रोडक्शन भी अपना प्रारंभ कर दिया है कि अब चीन दुनिया के अंदर निवेश के सबसे बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर भारत निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में साकार हुआ है और उत्तर प्रदेश भारत के अंदर निवेश का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होगा, यह उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्यक्रमों को इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का बेहतर प्रयास हुआ है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश 1947 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1947 में नेशनल एवरेज के बराबर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी थी, लेकिन धीरे धीरे करके राजनीतिक संक्रमण का ऐसा दौर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में गरीबी आने लग गई, उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने लग गया, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो, लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दुगने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। ये एक बेहतर उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारता हुआ दिखाई देता है। और यही नहीं, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने नई सरकार ने अपने कार्यक्रम को फिर से प्रारंभ करते हुए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आपने विगत 1.5-2 महीनों के अंदर देखा होगा रामनवमी का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, हनुमत जयंती का कार्यक्रम, रमजान के महीने में अलविदा की नमाज के दिन सड़कों पर ईद नमाज न होना, ये उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादतगाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि जो अनावश्यक शोरगुल था उस शोरगुल से